इनको जो अप्रूवल मिला है भर्ती करने का, भारत सरकार का जो अप्रूवल मिला है उसमें बीएससी नर्सिंग सीसीएचएन को बोला गया है, और सीसीएचएन डिप्लोमा जिन कॉलेजेस में चल रहा है उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट को लिया जाएगा, बाकी नहीं लिया जाएगा। जो पहले से बीएससी नर्सिंग करके बैठे उनको नहीं लिया जाएगा, वो आपके सिर्फ आपके लिए वैलिड, वो आप जैसे हैं। सीसीएचएन जिनमें नहीं ऐड है वो बीएससी नर्सिंग कैपेबल है जीएनएम के, उन्होंने बताया है, ठीक है। तो इसके बाद से इस 4000 के बाद जो वैकेंसीज आने वाली हैं 3500 सीएचओ की, उसमें जीएनएम लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जो ये है ये भी उन्होंने बोला कि हमने अप्रूवल भेजा हुआ है, अप्रूवल हमने भेजा हुआ है, 10 मार्च तक आप लोग इंतजार करिए आचार संहिता के बाद, आचार संहिता के बाद, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका भी, ठीक है। चलो उसके पहले का जियो का ऑर्डर आ जाए तो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं हुआ है आपका वैकेंसी है, कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। जो ये कहा गया सी जो 885 ये जितने भी अभी है जो कैंसिल्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, इसको रिवाइज करेंगे। मतलब जैसे अभी लोग कह रहे थे कि मेरा नंबर ज़्यादा है, मेरा नंबर कम है, मेरा क्यों नहीं आया, उसका क्यों नहीं आया, उसका क्यों आ गया कम है, तो ये फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिवाइज करने के बाद जिसके नंबर जो कैपेबल है इसके उसको रखेंगे, और जो नहीं है ये ज़रूरी नहीं आपकी जो अभी आया था 885 जिसका इसका नाम था ये ही आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये रिवाइज हो के आएगा, जो उसके काबिल है उसी को मिलेगा, जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा। ये 9 तारीख तक पक्का आ जाएगा, अगर 9 तारीख तक नहीं आया तो 9 मार्च 9 मार्च 10 मार्च के बाद फिर आपके रिपोर्ट करने तो 2 महीने ऐसे ही कंप्लीट हो गए, तब तक तो 5 से 6 महीने वैसे भी कंप्लीट हो जाएंगे। कल को आप यही बताओगे कि हमारा तो कंप्लीट हो रहा है, अब हम कैसे लेंगे, तो बोले नहीं नहीं ये आप लोगों का कोई हेडेक नहीं है, ये हम लोगों का हेडेक, हम लोग करवाएंगे तो करवाएंगे, ये बोला। और कोई क्वेरी है किसी?